हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला अपने टाइटल में तो देख लेंगे। दोस्तों आपको अभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है द कनेक्शन टू द सर्वर टाइम आउट, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये प्रॉब्लम आता क्यों है? ये आता इसलिए है क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, और जिस भी एप्लीकेशन में अगर ये प्रॉब्लम होता है उस एप्लीकेशन में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना कैसे है आप स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग को फाइंड करना है आपको, ये रहा जैसे कि सेटिंग आप देख सकते हैं। और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाएंगे। जैसे कि ये मेरा प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है यूट्यूब में, तो यूट्यूब में जाएंगे इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब, या फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मेरा लोडिंग ले रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ये तुरंत ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आ किस में रहा है, ज़्यादातर आता है मुझे यूट्यूब में। तो यूट्यूब को यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ, और उसके बाद ये रहा यूट्यूब। यूट्यूब को फाइंड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद आपको यहाँ से कैचअप क्लियर कर देना है, उसके बाद बैक आना है, फिर से बैक आना है, एक बार फिर से बैक आना है। और गाइस और इस सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना है। हर फ़ोन का अलग अलग होता है तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको नेटवर्क पे क्लिक करना है, मोबाइल नेटवर्क पे, उसके बाद एक्सेस नेम पॉइंट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेगा, यहाँ से आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देना है। ऐसे करने से आपका क्या होगा कि आपका नेट एकदम स्पीडली चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, फिर से इसमें जाइए और VoLTE इनेबल रखिए, प्रेफर नेटवर्क टाइप आपको 4G LTE पे क्लिक कर देना है, 4G पे ऑल रोमिंग डेटा ऑन कर देना है ताकि आपको सर्विस अच्छे से मिले। ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करके ओके। तो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए, आप इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।